नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश, गैजेट्स इन टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं टेक अपडेट नंबर 26 और मैं आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट लेके आऊं। कुछ यहां पे सैमसंग की तरफ से, कुछ हुआवे की तरफ से, कुछ वीवो के स्मार्टफोन को लेके और कुछ यहाँ पे एप्पल के फोल्डेबल स्मार्टफोन को लेके दोस्तों। तो आगे आप देखते रहो मेरे साथ में इस वीडियो को, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहला अपडेट यहाँ सैमसंग गैलेक्सी S10 और S10 प्लस को लेके है। यहाँ पे चाइनीज मार्केट में इसके प्री ऑर्डर्स स्टार्ट हो चुके हैं और दोस्तों इतने सारे प्री ऑर्डर्स के आ चुके हैं कि जो सैमसंग गैलेक्सी S9 था उसके दो गुने पे यहाँ पे प्री ऑर्डर्स आ चुके हैं चाइनीज मार्केट में। फ़ोन बहुत ही अच्छा है, अच्छे खासे प्राइस में सैमसंग ने यहाँ पे लॉन्च करा है और कमाल के कैमरे हैं इस फ़ोन पे दोस्तों। तो यहाँ पे मतलब सैमसंग गैलेक्सी S10 और S10 प्लस की सेल बढ़ने वाली है इस टाइम पे चाइनीज मार्केट में दोस्तों। और आप अगर इंडियन मार्केट में भी इसको खरीदना चाहते हो तो इंडियन मार्केट में भी एक प्री ऑर्डर के लिए लिस्ट हो रखे हैं दोस्तों, तो आप जाके इसको खरीद सकते हो। अगला अपडेट यहाँ पे हुआवे के P30 लाइट स्मार्टफोन को लेके है और इसकी कुछ लीक सामने आ रही है, जहाँ पे इमेज सामने आ रही है लीक के बेसिस पे और कुछ फीचर भी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें नॉच डिज़ाइन वाला आपको डिस्प्ले मिलेगा, 6.15 इंच का इसका डिस्प्ले होगा, नॉच डिज़ाइन मिलेगा, USB Type-C 3.5 हेडफोन जैक, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको मिलेगा जिसमें 20 MP प्लस 16 प्लस 2 MP का कॉम्बिनेशन वाला है बैक साइड में दोस्तों। और यहाँ पे Kirin 710 चिप आपको मिलेगी जो कि मिड रेंज की चिप है और हुआवे की इन हाउस चिप है दोस्तों। बाकी कुछ और भी फीचर आपको मिलेंगे इस फोन पे, एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पे नॉच वाला डिज़ाइन है, 3240mAh की बैटरी मिलने वाली है। तो देखते हैं कि सारे फीचर यहाँ पे लीक के बेसिस पे हैं या फिर हमको रियली मिलते हैं स्मार्टफोन पे ये फीचर। और यहाँ पे 26 मार्च को कंफर्म हो जाएगा कि ये फ़ोन भी लॉन्च होगा हुआवे P30 और P30 Pro के साथ में या फिर नहीं होगा दोस्तों। सारी चीज़ें यहाँ पे 26 मार्च को सामने आ जाएंगी। अगला अपडेट यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A6 2018 को लेके है और इस फ़ोन पे आपको एंड्रॉयड पाई का अपडेट बहुत ही जल्दी मिलने वाला है जो कि One UI बेस्ड अपडेट है दोस्तों, जो कि यहाँ पे कोरियन मार्केट में ऑलरेडी मिलने लग गया है और बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में इंडियन मार्केट में भी ये रोल आउट हो जाएगा। तो देखते हैं कि कब इंडियन मार्केट में आता है और आप इंजॉय कर सकते हो A6 2018 में एंड्रॉयड पाई का अपडेट दोस्तों। अगला अपडेट यहाँ पे आसू जेनफोन मैक्स प्रो M1 को लेके है और इस फोन पे एंड्रॉयड पाई का अपडेट आपको मिल रहा है जो कि यहाँ पे बीटा पावर यूजर प्रोग्राम के अंडर में मिल रहा है, जिसमें आप साइन अप करके इसको चेक कर सकते हो और उनको फीडबैक भेज सकते हो आसूस की टीम को कि इसमें ये बग है, ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से फिक्स करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में आपको स्टेबल वर्जन का अपडेट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आसूस की टीम काफ़ी अच्छे से काम कर रही है तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आसूस के लेके ही कुछ और अपडेट भी यहाँ पे सामने आ रहे हैं। इसके कुछ स्मार्टफोन है आसूस जेनफोन 5Z जो स्मार्टफोन है, आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 जो स्मार्टफोन है, इनके प्राइस यहाँ पे ड्रॉप हो चुके हैं और 1000 रुपीज से लेकर 5000 रुपीज के बीच में इनके प्राइस ड्रॉप हुए हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों, परमानेंटली ये प्राइस कट हुआ है तो आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो और आप अगर खरीदना चाहते हो इन फोन्स को तो आप भी ले सकते हो। अगला अपडेट यहाँ पे वीवो के IQOO ब्रांड को लेके है, IQOO ब्रांड इसको बोलते हैं और इस फोन ने अपना एक गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। फ्लैगशिप ग्रेड के फीचर के साथ में ये फोन आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 चिप का सपोर्ट मिलता है, बैक साइड में 3 कैमरे वाला सेटअप है, 12 GB तक की आपको रैम मिलती है इस फोन पे, लिक्विड कूलिंग का भी इसमें सपोर्ट मिल रहा है, तो गेमिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों। 4000mAh की बैटरी मिल रही है, 22.5W और 44W का आपको चार्जर मिल रहा है, मतलब इसमें जो बेस वेरिएंट है उसमें 22W समथिंग का चार्जर आपको मिलता है, जो इसमें हाई एंड वेरिएंट है उसमें आपको मिलता है 44W का चार्जर। और शुरुआती जो प्राइस है इस फ़ोन का 2998 चाइनीज युआन है, तो लगभग 30-32 हज़ार रुपये के आसपास इसका शुरुआती प्राइस है। अभी ये चाइना में लॉन्च हुआ है, इंडिया में लॉन्च को लेके इसकी कोई अपडेट सामने नहीं आ रही दोस्तों। और जो इसमें कैमरे हैं बैक साइड में 12 MP प्लस 13 MP प्लस 2 MP का कॉम्बिनेशन है और फ्रंट पे आपको मिलता है 12 MP का सेंसर दोस्तों। 6GB 128GB से इसका स्टोरेज वर्जन शुरुआत है दोस्तों, तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा फ़ोन है। और ब्रांड मतलब जो IQOO ब्रांड है, कंपनी ने पहले ही बोला था कि हम यहाँ पे फ्लैगशिप ग्रेड के स्मार्टफोन ही लॉन्च करेंगे, तो देखते हैं कि इंडियन मार्केट में कब कंपनी लॉन्च करती है इन स्मार्टफोन्स को और क्या रहती है इनकी प्राइसिंग। अभी तो काफ़ी गजब की प्राइसिंग कंपनी ने रखी हुई है, जो मतलब 30-32 हज़ार रुपये के आसपास इन्होंने प्राइस रखा हुआ है। अगला अपडेट यहाँ पे USB के नए स्टैंडर्ड को लेके है, USB का नया स्टैंडर्ड यहाँ पे अनाउंस हो गया जो कि USB 3.2 Gen 2x2 है दोस्तों। इसमें आपको स्पीड मिलने वाली है 20 GBPS तक की। पुराना जो स्टैंडर्ड था आपको मालूम होना चाहिए 3.1 था USB 3.1, उसको यहाँ पे चेंज करके USB 3.2
जनरेशन 2 नाम दिया गया है और यहाँ पे स्पीड भी आपको 10 Gbps तक की मिलती थी, आपको मालूम होना चाहिए, और यहाँ पे आपको दुगनी स्पीड मिल रही, तो इसलिए 2x2 जनरेशन 2x2 यहाँ पे नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कमाल की स्पीड मिलने वाली है इस नई USB स्टैंडर्ड में दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब स्पीड यहाँ पे बढ़ती जा रही है। पहले क्या होता था कि हमको जो पेन ड्राइव्स मिलती थी उसमें हमको बहुत ही कम स्पीड मिलती थी, और पहले तो हम साइज़ की भी अगर बात करते तो 2 GB, 1 GB, 512 MB की हमको पेन ड्राइव्स मिलती थी, जिनको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। और अभी यहाँ पे स्टोरेज भी बहुत ही ज़्यादा मतलब मिलने लग गया है, स्पेशली पेन ड्राइव्स में 64, 128, 512 GB तक आपको मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे स्पीड बहुत ही कम मिलती थी, जो डेटा ट्रांसफर हमको स्पीड मिलती है वो बहुत कम मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे सारी टेक्नोलॉजीज़ में यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, चाहे वो USB हो, चाहे वो कोई से भी कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में हमको काफ़ी कमाल की स्पीड यहाँ पे मिलने वाली है टेक्नोलॉजी में। और यहाँ पे 5G में तो आपको मालूम है कि आने वाले टाइम में कितनी स्पीड हमको डाउनलोड और अपलोड की मिलेगी, वो काफ़ी गजब का एक्सपीरियंस होने वाला है। अगला और फाइनल अपडेट है यहाँ पे एप्पल के फोल्डेबल स्मार्टफोन को लेके। एप्पल यहाँ पे तैयारी कर रहा है अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च करने की। यहाँ पे एप्पल के को फाउंडर जिनका नाम है स्टीव वोजनिक, इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है ब्लूमबर्ग से कि यहाँ पे हम फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं, मतलब एप्पल को फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहिए दोस्तों। और बताया जा रहा है कि इस फ़ोन का नाम हो सकता है एप्पल आईफोन एक्स फोल्ड के नाम से लॉन्च करेंगे। काफ़ी यूनिक फीचर आपको मिलेंगे इस फ़ोन पे, मतलब नॉर्मली अभी आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड हो गया या फिर हुआवे का फ़ोन हो गया, उन दोनों ही कंपनीज़ ने काफ़ी अच्छे खासे डिज़ाइन के साथ में अपने फ़ोन लॉन्च करे हैं, तो ऐसे में एप्पल भी अपना फ़ोन यहाँ पे लॉन्च कर सकती है। और कुछ टाइम पहले एक और लीक सामने आई थी जहाँ पे एप्पल ने एक पेटेंट फाइल करा था फोल्डेबल डिज़ाइन को लेके, तो देखते हैं कि कितनी सच हो पाती हैं सारी चीज़ें। और मुझे लगता है कि 2019 के एंड तक कंपनी क्या पता लॉन्च कर दे अपना एक फोल्डेबल स्मार्टफोन, तो काफ़ी गजब का होगा वो डिवाइस। देखते हैं कि कैसा यूज़र एक्सपीरियंस हमको मिलता है और कितना होता है उस डिवाइस का प्राइस दोस्तों। और वैसे तो एप्पल के जितने भी फ़ोन्स होते हैं, चाहे कोई सी भी डिवाइस हो, प्राइसिंग बिल्कुल हाई मिलती है दोस्तों। तो बस यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट टेक अपडेट्स मैंने कवर कर दी हैं इस वीडियो में। आप जरूर नीचे कमेंट बताने कि आज की कौन सी टेक अपडेट आपको सबसे बढ़िया लगी दोस्तों, और कैसी लग रही है आपको ये टेक अपडेट सीरीज, सारी चीज़ें नीचे कमेंट में लिखना। आपका मिलने कोई सजेशन ओपिनियन तो भी आप नीचे लिख सकते हो। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।